दोस्तों हम गुफा के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ से गुफा आधा किलोमीटर दूरी पर है और बहुत ही सुबह सुबह ठंड का मौसम है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। और यहाँ पर देखिए लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, गर्म पानी आपको 10 रुपये बाल्टी में मिल जाएगा, जिससे आप स्नान ध्यान करके फिर आप यात्रा के लिए आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी बनी हुई, टेंट वेंट सारे लगे हुए हैं, यहाँ पर लंगर भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बालताल कितना पैसा लेता हूँ घोड़े हैं? 3000। 3000 थोड़ी लेते हैं यार, उतरने में इतना थोड़ी लगता है, उतरने में तो पैदल ही उतर जाएंगे। बहुत ही शानदार सुहाना मौसम है यहाँ का। दोस्तों ये है लंगर, यहाँ पर आप खाना पीना कर सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क रहता है और चारों तरफ दुकानें ही दुकानें लगी है दोनों साइड। अभी हम अमरनाथ गुफा के पास में जा रहे हैं दर्शन के लिए, आगे जा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर हैं, मात्र कुछ मिनट बाकी रह गए दर्शन के। देखिए दोस्तों ये अमरनाथ करनाल वालों का भंडारा है, यहाँ पर चाय के लिए लाइन लग रही है। जय भोले, जय भोले, बम भोले। देखिए दोस्तों मन की इच्छा होनी चाहिए केवल दर्शन की। ये बंदे भी देखो किस तरह यात्रा करने, कहाँ से हो भाई आप? हरिद्वार से। बहुत अच्छा, दर्शन हो गए जा रहे हैं, ठीक। मन की इच्छा होनी चाहिए, बाकी दर्शन कोई दुर्लभ नहीं है। आप बाबा के सामने 2 कदम फैलाओ, बाबा 4 कदम आपके सामने आ जाएंगे। चलो 1 2 आए कहाँ, अभी 4 कदम आगे आगे आपको दिख नहीं रहे। आप बहुत कठिन यात्रा है, यात्रा कैसे फूल चढ़ रहा है? अच्छा, ऑक्सीजन की कमी रहती है यहाँ पर। हाँ। आपको तो नहीं चढ़ रहा श्वास? थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। ATM है। दोस्तों अगर कोई यात्री खो जाता है या फिर आगे पीछे हो जाता है और आपको वापस नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये पंचकुंडला सूचना केंद्र है। जैसे मेवा भिलवाड़ा वाले जहाँ भी वो अपने दोस्त मित्र ईश्वरनाथ को आके मिले, इस प्रकार से यहाँ पंचकुंडला में आकर के अनाउंस करा सकते हैं, तब जाके आपको सभी साथी मिल जाएंगे, उन तक आपकी आवाज पहुँच जाएगी। ये देखिए पंचकुंडला अलाउंस कैंप है ये।
नीचे बना हुआ है। देखिए बाबा जी दर्शन हो गए, बाबा दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। इनको श्वास चढ़ने के कारण बाबा बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठंड भी लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। यहाँ पर -10 डिग्री में टेम्परेचर रहता है, यहाँ का बर्फ जमने की संभावना रहती है, जमने की क्या, चारों तरफ बर्फ ही बना। बाबा जी दर्शन हो गए, 5 बजे मौन व्रत है इनका,